आप सभी पेरेंट्स एंड बच्चों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लिटिल्स एंजल्स ग्रूमिंग किड्स में। आज हम आपको व्यंजन ला को किस प्रकार से चित्रों के माध्यम से पढ़ना है और किस प्रकार से फाइव लाइन की कॉपी में लिखना है उसके बारे में बताएंगे। ला से लड्डू। देखो बच्चों, लड्डू कैसे होता है? पीला पीला होता है, कुछ कलरफुल भी होते हैं। लड्डू खाने में कैसे होता है? बहुत ही मीठा मीठा होता है। और हमारे जो गणेश भगवान को तो लड्डू बहुत ही पसंद है। ला से लट्टू। बच्चों जी, ये जो लट्टू जो होता था ना, हमारे टाइम में तो बहुत हम लोग खेलते थे। लट्टू खेलते थे, कंचे थे खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे और रस्सी। लट्टू एक तरह के लकड़ी का एक खिलौना होता है जिसे रस्सी से बांधा जाता है और जमीन पे चलाया जाता है। क्या? ला से लहसुन। लहसुन वाइट वाइट कलर का होता है, जमीन के नीचे लगता है और इससे सब्जियां बनती हैगी। ला से लाल किला। लाल किला पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं तो वो भारत का तिरंगा झंडा फहराते हैं 15 अगस्त को। ला से लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो थे हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने बहुत लाठियां खाई और वो इतने घायल हो गए कि वो उन चोटों के कारण वो शहीद हुए। ला से लक्ष्मण। लक्ष्मण कौन थे? राजा राम के छोटे भाई थे। ला से लोहड़ी। लोहड़ी क्या होती है बच्चों? जो हिंदुओं का और पंजाबियों का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है। जब फसल कट के घर आ जाती है तो उसकी खुशी में पंजाब प्रांत में तो यह बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। नाच होता है, गाना होता है। और ला से लक्ष्मी। लक्ष्मी क्या होती है बच्चों? जो हमारी जो धन, हिंदू धर्म में जो धन की देवी होती है उन्हें लक्ष्मी कहते हैं। बच्चों, अभी तक हमने आपको व्यंजन ला को चित्रों के माध्यम से किस प्रकार से पढ़ना है उसके बारे में बताया। अब हम व्यंजन ला को किस प्रकार से फाइव लाइन की कॉपी में लिखना है उसके बारे में बताएंगे। तो व्यंजन ला को लिखने के लिए फाइव लाइन की कॉपी लेनी है और इसको इसके ऊपर पहली दूसरी रेखा और चौथी रेखा पर एक बिंदी बांधनी है, एक सीधी रेखा खींचनी है और यहाँ से ऐसे करके ऐसे और ऊपर एक बड़ी रेखा खींचनी है। ला से लट्टू। सीधी रेखा, ऊपर एक बड़ी रेखा। साथ साथ बच्चों को बुलवाना है ला से लट्टू। एक सीधी रेखा, हल्का सा गोला लेके ऐसे, ऊपर बड़ी रेखा। ला से लट्टू। सीधी रेखा और ऊपर एक बड़ी रेखा डालेंगे, बोलेंगे ला से लट्टू। और इसी प्रकार फाइव लाइन की कॉपी में दूसरी रेखा और चौथी रेखा पर एक बिंदी मारी, सीधी रेखा खींची, ऊपर पड़ी रेखा। ला से लट्टू। साथ साथ बुलवाते जाना है ला से लट्टू। बड़ी रेखा मार और साथ साथ बुलवाएंगे ला से लट्टू। इस प्रकार अपने बच्चों को बार बार रा व्यंजन को लिखने का अभ्यास करवाएं, उनको बोल्ड लेटर दें, उनमें कलर भरवाएं और ला से संबंधित कोई चित्र हो जैसे ला से लट्टू, ला से लड्डू, जो सिंपल सिंपल से हो, साधारण से, उसमें उनको बच्चों को बना के दें, थोड़ा बड़ा साइज में बना के दें और उनको कहें उनको उसमें रंग भरें
और जब तक बच्चों को लिखवाएं, जब तक कि उन लोग को अच्छे से बच्चों को दिमाग में ना बैठ जाए ला व्यंजन।